हम लोग एक जाते थे चाइनीज रेस्टोरेंट, वो चाइनीज वैन का नाम था छुक छुक मेल, उसका मंचाओ सूप और फ्राइड राइस जो बैठ के वो मैंने चाइनीज खाया ना, और वो सीन थी। हेलो गाइस, वेलकम टू द देसी व्लॉग्स। तो भाई क्या हाल चाल है तुम सबके। तो भाई मैंने जैसे बोला था वीडियोस आती रहेंगी, आज की वीडियो जो होने वाली है वो आपने थंबनेल से देख ही लिया। तो भाई मैं भी बहुत ज़्यादा शौक हुआ जब मैंने ये चीज़ देखी कि भाई जो अपने विराट कोहली सर है उन्होंने हमारी दुकान के बारे में एक बारी पहले भी बोला था 2016 के अंदर, और एक बारी 2023 के इंटरव्यू के अंदर हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी मैंने देखा वो वाला आर्टिकल, वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ अभी, और एक वीडियो भी आई कि भाई मैं पहले छुक छुक मेल से वो करता था। तो गाइस जो सिंपल सी बात ये है कि भाई वो दुकान है हमारी, हम उसके ओनर हैं, अभी हमारा वो स्टाफ चला रहा है पूरा, और ये काफ़ी पुराना एक्चुअली ये मेरे फादर का बिजनेस है, काफ़ी टाइम से काफ़ी पुराना बिजनेस है चाइनीज़ फास्ट फूड का। तो गाइस मैं तो वहाँ जाता रहता हूँ, तो मैंने जैसी ये वीडियो आई तो मैंने वहाँ के लोकल अब जो स्टाफ है मार्केट वाले उनसे पूछा, तो वो यही कहते हैं कि ये पहले यहीं रहता था पश्चिम विहार के अंदर विराट कोहली, और यहाँ आता भी था खाने। एक जो हमारी दुकान पे एक सबसे जैसे स्टाफ चेंज हुआ, जो पहले वाला स्टाफ था वो अलग चला गया था 15-20 साल काम करके, अब जो नया वाला स्टाफ है ऑलमोस्ट उसको 15-20 साल हो गए हैं और काम करते हुए, उनमें से जो एक है वो डिलीवरी देने जाते हैं अंकल, वो इतने टाइम से मतलब हमारी दुकान पे काम कर रहे हैं। मैंने उनसे भी पूछा, वो खुद कहते थे हाँ आता था, 4-5 लड़के आते थे उसके साथ आके, उनने मांचो सूप और चिकन फ्राइड राइस खाने, चिली चिकन खाना, 4-5 लड़के आते थे खाने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा हाँ भाई कैसे मतलब था, तो मैं तो इतना ज़्यादा शौक हो गया भाई इस चीज़ को देख के। तो गाइस आज मैं देने वाला हूँ आपको अपनी पूरी दुकान का एक कहते हैं रिव्यू, कहीं और का नहीं बनाएंगे इस बार, हम अपनी खुद की दुकान का बनाएंगे आपको पूरा, एक मतलब फूड व्लॉग भी हो सकता है, और हम कैसे वहाँ पर काम करते हैं ये सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, कैसा स्टाफ है सारी चीज़ें मैं आज आपको डिटेल में वीडियो होने वाली है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो गाइज आ गए हम लोग अपनी दुकान पे, तो भाई अपनी दुकान का कुछ ऐसे रहने वाला है। तो गाइज ये जो मेन हमारे यहाँ दुकान की जो एड्रेसिंग रहने वाली है वो रहने वाली A5 मार्केट, वेस्ट पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन, उसके अंदर A5 की मार्केट के अंदर ये हमारी दुकान है छुक छुक मेल। और गाइज काफ़ी बंदे ये चीज़ पूछते हैं हाँ भाई इसका नाम छुक छुक मेल क्यों है, तो भाई मैं ये बता दूँ, ये जो पहले था ये एक इंजन था, इंजन के अंदर हम लोग काम करते थे जब मेरे पापा वगैरह स्टार्टिंग में जब नया नया बिजनेस खोला था, तो हम लोग इंजन की बॉडी थी, इंजन टाइप में ट्रेन का जो इंजन होता है वैसा था, तो उसके अंदर ही किचन थी, तो तब इसका नाम छुक छुक मेल रखा गया था। अब MCD के थ्रू से नया नक्शा आया, जो शेफ कार्ड्स होते हैं उनका इस टाइप का नक्शा आया, तभी ऊपर मैंने जो है अपने दुकान के बोर्ड पे इंजन का लोगो लगाया। काफ़ी बंदे पूछते हैं भाई छुक छुक मेल नाम क्यों है, तो भाई इसके पीछे की कहानी ये थी, ये भी मैंने आज तुम्हें बता दी। तो गाइज ये जो हमारा बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो गाइज ये होने वाला हमारे यहाँ का मेन्यू पूरा, आपको ये सारा दिख जाएगा आराम से वो करके देख लेना। तो गाइज ये है हमारा सारा स्टाफ जो अंदर काम कर रहा है, ये हमारे मेन हेड है और ये सारा हमारा स्टाफ है, ये भी हमारा स्टाफ है, वो वाले अंकल हमारे जो है वो डिलीवरी जाते हैं, और अभी मैं आपको और स्टाफ से मिलवाता हूँ। तो गाइज मेरे को भी यहाँ आते हुए 3-4 साल हो गए, इन्होंने ही मेरे को काम सारा सिखाया है, तो भाई अब इनसे बात करते हैं। तो मन्नू भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया। और कैसे चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है। और तो कैसा लग रहा है मतलब विराट कोहली ने यहाँ का अपनी दुकान का डाल दिया? हाँ जी बढ़िया लग रहा है। आप तो यहाँ खाने? हाँ खाने आते थे बचपन में, यहीं से बड़े होके गए। और भी काफी आते थे यहाँ सेलिब्रिटी, मैंने सुना है यहाँ के मार्केट के बंदों से भी। हाँ जी सर। तो यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ की क्वान्टिटी क्वालिटी और प्राइस सही है और फेमस है बात ज्यादा है। मतलब यहाँ पे जब से मैं आ रहा हूँ मैं भी ये चीज़ देखता हूँ भाई, यहाँ के जो जितने हमारे कस्टमर हैं रेगुलर वो खुद ये चीज़ कहते हैं भाई क्वांटिटी क्वालिटी रेट हमें यहीं का ही है। पश्चिम बिहार के अंदर मेन मतलब कहते हैं ना चाइनीज़ फूड फेमस छुक छुक मेल का ही है, तो भाई ये कोई तारीफ़ें नहीं कर रहा मैं, ये पश्चिम बिहार वालों से तुम खुद भी पूछ लेना भाई
मैंने एक और वीडियो देखी थी वो तुम्हें मैं ये देखो एक... पता है डीडीओ मार्केट की बेस्ट चीज क्या है? चुक चुक मेल की चाउमीन खाई ना तूने? कैसी पश्चिमी आ रही है यार ये मैं... और अभी मैं अंदर जाके एक बार अपने स्टाफ से बात कराता हूँ जो हमारा मेन कुक है। तो कैसे हो गुरु भैया? बढ़िया भैया। और तो फिर अभी क्या कर रहे हो? चिकन फ्राई कर रहा हूँ। चिकन चिकन गोल्डन फ्राई चिकन मंचूरियन सारे के लिए चाउमीन बन रहा है। ये सर एक टाइम में मतलब चार बंदे हम अंदर काम करते हैं। तो गाइस ये हमारे कटिंग मास्टर अभी नए नए बने क्या काट रहे हैं ये चिकन बॉइल्ड चिकन पीछे कटिंग हो रही है। तो गाइस अपने यहाँ के सबसे पुराने स्टाफ के मेंबर आज मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। ये है मामा, इनको सारे मामा ही बुलाते हैं। तो कैसे हो मामा जी? मैं ठीक ही हूँ। और तो कितना टाइम हो गया काम करते हैं? मैं आया था सन 2003 अगस्त 14 में। अच्छा 2003 से मतलब 20 साल हो गए काम करते हैं आप? हाँ जी। तो 20 साल के अंदर तो आपके टाइम में आता था विराट कोहली? हाँ जी आता था। तो कितने जने आते थे? आते थे 6 आदमी व्हाइट वाला कार में। व्हाइट वाले कार में? हाँ जी। तो उसका घर वगैरह यही था पहले? हाँ पहले पश्चिम बिहार में थे, अभी तो कहाँ है पता नहीं है। अच्छा तो आप ही खाना वगैरह उनको सर्व करते थे? बिल्कुल, मैं सप्लाई करता था, मंचाव पीता था, भैंस फ्राई राइस खाता था और चिली चिकन चिली पनीर खाता था ज्यादा। हाँ चिली पनीर खाता था। एक और हमारे पास आपके लिए सरप्राइज है, तो भैया क्या है वो दिखाओ। ये उस समय की थम्स अप की बोतल है जब यहाँ पे विराट कोहली वगैरह जब खाने आते थे। 15 से 20 साल पुरानी है। कैमरे के अंदर तुम्हें ऐसा दिख नहीं रहा होगा लेकिन इसके अंदर ना बहुत अजीब अजीब से मतलब रहता है ना जेली टाइप कुछ आ गया है, पता नहीं क्या चीज़ है इसके अंदर, लेकिन अभी तक ये सील्ड पैक है। अगर ये किसी को बोतल चाहिए एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए तो हम लोग ये भी उसे दे सकते हैं। बहुत पुरानी है भाई, इसका टेस्ट क्या होगा, इसका क्या होगा, आज तक हमने तो भाई इसको पी नहीं, लेकिन बहुत पुरानी है, कम से कम 15 से 20 साल पुरानी है थम्स अप की बोतल होगी। पहले ऐसी चलती थी यहाँ, तो इतनी पुरानी बोतल आज भी हमने संभाल के रखी हुई है। तो रोज गए यहाँ पे ऐसे ही रश रहता है, मतलब ज़्यादातर हमारे यहाँ पे रेगुलर कस्टमर भी है जो डेली आते हैं, डेली यहाँ पे डेली आते हैं खाने के लिए। तो भी कुछ सीन कुछ ऐसा है, ये बज रहे हैं शाम के टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6:44। तो वो भी रखा ऐसा सीन है, जैसे जैसे 10 बजने वाले होंगे दुकान बंद होने वाली होगी, उतनी भीड़ और लग जाएगी। मैंने इतने टाइम से इतनी मतलब दुकानों का कवर करा, आज ये वाली दुकान जो थी जो मेरी अपनी है मैंने वही नहीं कवर करी थी। तो भाई अब मेरे को सही मौका लगा ये कवर करने का, तो मैंने आज ये वीडियो बना दी है। और गाइज अगर तुम लोग भी आना चाहते हो तो भाई यहाँ पे आना, और भाई मेरा पूरा वो रहेगा कि तुम्हें पूरा सेटिस्फाई करके भेजूँ, टेस्ट में भी, प्राइस में भी और क्वांटिटी में भी, उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। जो इतने टाइम से हमने कॉन्स्टेंट रखी है वो हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल बने हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइज अपनी अगली वीडियो में।